Good morning, students. In my previous videos, we have introduced the basic concept of astronomical telescope and compound microscope. Now, talking about astronomical telescope, now think on it whether it is refracting type telescope or reflecting type telescope. देखिए, lens is a refracting. वहाँ पर rays refract हो रही हैं. तो जहाँ भी लेंस यूज होता है तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपका क्या होगा, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. बोर्ड एग्जाम्स में देयर कैन बी कंफ्यूजन. तो अगर आपको बोला जाए फाइंड द इमेज फॉर्मेशन और फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन फॉर रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, तो डोंट गेट कन्फ्यूज कि ये टर्म हमने कहीं नहीं किया, ये कुछ नहीं है, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट, बिकॉज टुडे आई एम डिस्कसिंग रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप. That will be entirely different from refracting type telescope. That is only astronomical telescope. अब refracting type telescope से differentiate कैसे करते हैं? क्योंकि reflection के लिए हम क्या use करते हैं, mirror. और refraction के लिए हम क्या use करते हैं, lenses. तो reflecting type telescope में हम mirror use करेंगे, spherical mirrors use करेंगे. Now here with the type of reflecting type telescope that is in our syllabus, that is कैसी ग्रेनियन टेलीस्कोप. तो सबसे पहले इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, इन दिस टेलीस्कोप हम क्या करेंगे, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमने ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ किया था, तो ऑब्जेक्टिव लेंस को हम रिप्लेस करेंगे कॉनकेव पैराबोलिक मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर. यानी वहाँ जो ऑब्जेक्टिव लेंस था उसकी जगह पर हम कॉनकेव पैराबोलिक मिरर यूज़ करेंगे और उसका भी अपर्चर हम लार्ज लेंगे, विच विल बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट, क्रोमेटिक एंड स्फेरिकल अपर्चर, इट विल बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट. अब देखिए, सबसे पहले जो हम लेंस जो मिरर यूज़ करते हैं, मिरर हम ऐसा यूज़ करेंगे कि मिरर के बीच में स्लाइट छोटा सा होल होगा, that allow rays to pass through it. अब यहाँ डायग्राम में हम बहुत स्मॉल होल नहीं दिखाएंगे, हम सिंपल यहाँ पर स्पेस दिखाएंगे ताकि हम डायग्राम इजीली एक्सप्लेन कर पाएँ. ये हमने क्या लिया है, एक पैराबोलिक कॉनकेव शेप्ड मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर. दिस इज हैविंग अप्रॉक्सीमेट अपर्चर ऑफ 200 inches. नाउ लेट इट बी सी वट विल हैपन. नाउ हेयर वी विल टेक द रेज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस. मान लो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता, हम इसको ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, जस्ट शो कर रहे हैं. सो द रेज विच आर पैरेलल टू द एक्सिस दे विल बी रिफ्लेक्टेड बाय दिस स्फेरिकल कॉन्केव शेप पैराबोलिक मिरर. When we are presenting, let we are taking two more rays. Many number of rays will be incident over it. But हम यहाँ पर 3-4 rays दिखा रहे हैं. अब क्या होगा? Now, before showing its reflection, now here we will explain that these will be reflected from this concave parabolic mirror. और उसके बाद ये focus होती हैं किसी एक point पर. उस focus point पर हम यहाँ पर क्या रखते हैं? एक secondary mirror रखते हैं, जो कि कॉन्वेक्स मिरर रहेगा. विल प्लेस ए कॉन्वेक्स मिरर एट इट्स फोकस पॉइंट. यानी कि अब देखिए, अगर यहाँ से हम ये कहते हैं कि मान लो ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर, हमने इसके फोकस पॉइंट पे रखा है, तो ये सारी रेज इस पॉइंट पर इसके ऊपर फोकस होंगी. तो आई विल ड्रॉ इट फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. द रेज विल फोकस एट दिस पॉइंट. ये बेंडिंग इस तरीके से दिखानी है ताकि इस होल के सामने से ये पास हो पाए. अब देखिए हमने क्या दिखाया है, दीज रेज आर पासिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन, दे आर मीटिंग एट द फोकस पॉइंट. और फोकस पॉइंट पर मीट करते टाइम यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, सेकेंडरी मिरर यूज़ किया है, जो कि हमारा है कॉन्वेक्स मिरर. अब यहाँ से फर्दर क्या होगा, इट विल बी रिफ्लेक्टेड. जब यहाँ से ये रेज रिफ्लेक्ट होंगी तो कोरस्पॉन्डिंगली ये रेज, यानी यहाँ से इस होल से बाहर निकलेंगे. तो ये जो बीच में हमने एक नैरो होल छोड़ा है, इसका पर्पस क्या है कि सारी रेज को यहाँ कॉन्सेंट्रेट करके एक बीम की फॉर्म में ये रेज यहाँ से पास करेंगे. अब ये रेज कहाँ मिलेंगी, दैट हेयर दीज रेज दैट रिफ्लेक्टेड रेज दैट विल मूव टूवर्ड्स द आई पीस. यहाँ हमारे पास एक आई पीस लगा हुआ है.
also to see the final image. So here, if I will recapitulate the point, here C is a parabolic concave reflector of 200 inches aperture. It makes parallel rays, that is parallel rays to the principal axis. They are collected at the focus point of this mirror, but these reflected rays are incident on the convex mirror, which further reflect all these rays into the eyepiece. And the final image is seen through this eyepiece. So in normal adjustment, magnifying power is given by F0 upon FD. So focal length, focal length of this concave mirror, that can be known to us. What about this? We can say that focus, you can say this will be equal to R by 2. Focal length radius of curvature se related hai, R by 2 se. Or focal length of this eyepiece, let me represent it by F. So this is just the brief description I have given you, reflecting type of telescope. On every alternate year, this telescope has been asked. 2 mark में क्वेश्चन ज़्यादातर आता रहा है, यानी टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के ऊपर एक डायग्राम वाला क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज़ वन ऑफ द दोज केसेस. इट्स डायग्राम, इट्स ऑल थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन पार्ट, किस किस से बना हुआ है, रेज कैसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, एंड द फॉर्मूला फॉर दिस मैग्नीफाइंग पावर. सो नाउ आफ्टर दिस वी विल डिस्कस व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Now, first advantage of reflecting type telescope, as here image formed is brighter than refracting type telescope. Second, mirror require grinding and polishing of only one surface. क्योंकि एक side इसकी polished है, एक reflecting है, तो इसमें grinding and polishing सिर्फ एक surface की करनी पड़ती है हमें, तो cost reduce जाता है. Third, high resolution is achieved by using of large aperture, using mirror of large aperture. Next, there is no chromatic aberration. As objective which we are using, this is a mirror, this is not the lens. Lens mein ye wala defect hone ke chances rehte hain zyada. And the last point is, it is free from, that is you can say spherical aberration. So it is also a kind of defect. This is also reduced. Why? Why? Because here we are using a parabolic mirror. So the rays will get focused at a point, and hence this kind of defect can be greatly reduced. So these are the points which I have explained to you. These are taken as advantages of reflecting telescope over refracting type of telescope. So you must learn it, because there can be a question on the basis of reflecting type telescope. Now let me take few concept based question of telescope and microscope. देखिए CBSE में आपका बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, तो आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन, सो इट विल गिव यू क्लैरिटी कि लेंसेज के ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसा आता है. सो यू हैव बीन गिवन डेटा. व्हाट डेटा हैज बीन गिवन? दैट यू हैव बीन गिवन लेंसेज. 3 लेंसेज हैव बीन गिवन, जिनकी पावर एंड अपर्चर इज ऑल्सो गिवन टू यू. Power of lens 1 is 6 diopter and aperture is 1 centimeter. Second lens is 3 diopter and 8 centimeter aperture. And third lens is of high power, but aperture is very small. Now, these data has been given. Now, using data given here, which of the two? यानी यहाँ 3 lenses हैं. अब इसमें से हमें, अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप लें या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लें, हमें 2 lenses चाहिए. सो विच 2 ऑफ द गिवन लेंसेज विल यू प्रेफर टू कंस्ट्रक्ट अ बेस्ट पॉसिबल टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप? यानी दोनों ही केसेस आपको बोल दिए कि इन कॉम्बिनेशन में से, इन पावर और एपर्चर के कोरस्पॉन्डिंग, कौन से 2 लेंसेज को आप प्रेफर करोगे एक टेलीस्कोप बनाने के लिए या फिर माइक्रोस्कोप बनाने के लिए. तो सबसे पहले इसमें हमें मेन कंडीशन पे आना होगा कि सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमें टेलीस्कोप के लिए सिलेक्शन करना हो, तो टेलीस्कोप के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है क्या चीज़, कि ऑब्जेक्टिव लेंस, इट मस्ट हैव
लार्ज एपर्चर एंड फोकल लेंथ। एंड आईपीस, आई लेंस जो हम यूज कर रहे हैं, इट इज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। क्योंकि जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट में, एफ नॉट अपॉन एफ ओनली मैग्नीट्यूड हम देखते हैं, यानी एफ नॉट ज़्यादा होना चाहिए, एफ पी कम होना चाहिए। तो अब तीनों में देखिए, यहाँ पावर दी हुई है, पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो अब इस केस में फोकल लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी वो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। फोकल लेंथ ज़्यादा होने का मतलब पावर जिस लेंस की कम होगी। तो यहाँ देखते हैं पावर इसकी ज़्यादा, इसकी कम है, इसका मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। और देखिए साथ साथ एपर्चर भी इसी का ज़्यादा है। हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर और फोकल लेंथ दोनों ज़्यादा होने चाहिए, ताकि हम देखिए टेलीस्कोप के लिए एल टू को हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव। और अब आई लेंस के लिए, अब आई लेंस के लिए हम क्या कहते हैं, इसकी फोकल लेंथ भी कम हो और एपर्चर भी कम हो। तो इसमें देखिए टेबल में मिनिमम पावर, मिनिमम फोकल लेंथ किस केस में होगी, जिसमें पावर मैक्सिमम हो। तो यहाँ देखिए इसकी पावर मैक्सिमम है, तो फोकल लेंथ मिनिमम होगी और एपर्चर भी मिनिमम है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, दोनों में एपर्चर सेम है, लेकिन क्या फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट करेगा, फोकल लेंथ। जिसकी फोकल लेंथ कम होगी यानी जिसकी पावर ज़्यादा होगी, तो L3 को हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, आई पीस की तरह। सो फ्रॉम द गिवन डाटा वी हैव ऑब्टेन्ड इन्फॉर्मेशन कि कौन सा लेंस हमारा ऑब्जेक्टिव यूज़ होगा टेलीस्कोप में और कौन सा आई पीस की तरह यूज़ होगा। अब देखिए अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, माइक्रोस्कोप में सबसे पहले माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला हम लिखते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर होती है जनरल एल अपॉन एफ नॉट वन प्लस डी बाई एफ ई। यानी ऑब्जेक्टिव लेंस में आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस जो आप यूज़ करते हैं उसकी फोकल लेंथ लेस होनी चाहिए, फोकल लेंथ लेस होनी चाहिए। तो फोकल लेंथ लेस एज कंपेयर टू आई पीस से, यानी एफ नॉट शुड बी लेस देन एफ। तो अब आप देखिए इन तीनों के इसमें फोकल लेंथ किसकी सबसे कम है, फोकल लेंथ भी कम हो और एपर्चर भी कम होना चाहिए, यानी L3। इसका मतलब माइक्रोस्कोप बनाते हुए L3 आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। L3 क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ L3 होगा ऑब्जेक्टिव। अब आ जाइए आई पीस के लिए, तो आई पीस में क्या होना चाहिए, मॉडरेट फोकल लेंथ होनी चाहिए। यानी आई पीस की फोकल लेंथ अगर हम कहें, यू कैन से दैट, तो आई पीस के लिए हमें ऐसा लेंस लेना होगा जिसकी फोकल लेंथ कम हो। तो यहाँ हमारे पास देखिए इसमें ये वाला एल थ्री तो हो गया ऑब्जेक्टिव। अब इन दोनों के कंपैरिजन में हमें जो आई पीस चाहिए उसका अपर्चर भी कम होना चाहिए और फोकल लेंथ भी कम होना चाहिए। इसका अपर्चर तो ज़्यादा है, इसको प्रेफर नहीं करेंगे, तो कौन सा प्रेफर करेंगे इसमें, यानी एल वन मस्ट बी टेकन एज द आई पीस। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंफॉर्मेशन यू कैन सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। So such kind of numerical concept based questions you have to practice. There can be many questions given in your reference books. So give it a practice. Just learn the formula and try to find out the answer. Now let me discuss numerical on the basis of microscope. A compound microscope consists of an objective lens of focal length 2 cm. देखिए रीड करते हुए डाटा कलेक्ट करते जाइए कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस हिज फोकल लेंथ इज गिवन टू बी 2 सेंटीमीटर, एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर। बोथ आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। सेपरेटेड मीन्स लेंथ ऑफ द ट्यूब इज ऑल्सो। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फाइनल इमेज। यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से हम ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पे रखें सो दैट फाइनल इमेज इज फॉर्म अंडर टू कंडीशन। फर्स्ट है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन, दैट इज 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन यानी मिनिमम डिस्टेंस जिस पर हम किसी भी इमेज को देख पाते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, सो यू दिस इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। एंड सेकेंड वैन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। यानी दोनों ही केस में आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव लेंस पर कितने डिस्टेंस पे रखें ताकि ये दोनों केस में फाइनल इमेज ऑब्टेन हो पाए।
ऑल्सो यू हैव टू फाइंड वट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इन ईच केस, यानी यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर और उसमें आपको वैल्यूज पुट करके जनरल रिजल्ट ऑब्टेन करना है. तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर. दिस इन्फॉर्मेशन इज गिवन. अब आपको बताना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस से हम ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखें, यानी यू नॉट. ऑब्जेक्टिव लेंस से आपको, यानी अगर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तो इससे हम ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखें. यू हैव टू कैलकुलेट यू नॉट टू गेट फाइनल इमेजेस फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. यानी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जिसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 25 सेंटीमीटर. एंड ऑल्सो यू हैव टू ऑब्टेन मैग्नीफाइंग पावर. तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला. अब अगर हम ये लें कि आपके पास फोकल लेंथ ऑफ आईपीस गिवन है और फाइनल इमेज कहाँ बन रही है ये गिवन है, तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यूज़ करना चाहें तो सिर्फ हमारे पास अभी एक ही इन्फॉर्मेशन है. तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम आई लेंस. तो आई लेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग लेट मी अप्लाई लेंस फॉर्मूला. दिस इज नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एफ ई गिवन है, वी ई गिवन है, तो आप यू ई निकाल सकते हैं. 1/UE विल बी 1/VE माइनस 1/F. वी ई की वैल्यू माइनस 1/25. एफ ई गिवन है आपको 6.25, तो ये कन्वेंशनली लेंस कॉन्वेक्स लेंस है तो ये पॉजिटिव होगा. अब इसे आप सॉल्व कीजिए. यहाँ से सिंपल मैथमेटिकली कैलकुलेशंस हैं. So when you simplify it, this is minus 4/25. हाँ, इसको सॉल्व कर लिया तो अब आपका एलसीएम आ जाएगा -1 -4, तो 1/UE की वैल्यू आ गई -5/25, -1/5. दैट मीन्स UE इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर. यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका आ गया -5 सेंटीमीटर. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें निकालना है यू नॉट, लेकिन अभी तक हमने निकाला है यू ई. तो एक पॉइंट यूज़ करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, लेंथ ऑफ द ट्यूब. लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है, मतलब आईपीस और ऑब्जेक्टिव दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस. सो हेयर दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज आई लेंस. सो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू हैज़ बीन गिवन. अब देखिए लेंथ ऑफ द ट्यूब किसका इक्वल होता है, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से हम कहते हैं इट इज इक्वल टू एफ नॉट और ये डिस्टेंस होता है यू ई. तो ये हम यूज़ करेंगे, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस यू ई. दिस इज गिवन टू बी 15 सेंटीमीटर. नॉट एफ नॉट, यू विल टेक इट एज वी नॉट, वेदर इट विल बी बेटर. क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से जब इमेज बनती है तो जिस पॉइंट पर वो इमेज बनती है ये डिस्टेंस होता है वी नॉट. तो एफ नॉट नहीं होगा, इट इज़ वी नॉट प्लस यू. तो अब यहाँ से हमें क्या फ़ायदा होगा, वी कैन कैलकुलेट वी नॉट. दिस इज 15 माइनस UE. अब UE का सिर्फ मेजरमेंट डिस्टेंस देखना है जो कि 5 है. विल नॉट टेक नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ पोजिशन को इंडिकेट करता है. सो इट विल बी 10 सेंटीमीटर. तो देखिए अब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वी नॉट है, यू नॉट हमें निकालना है और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस भी गिवन है. तो लगाइए फॉर्मूला, 1/V0 - 1/U0 = 1/F0. तो 1/U0 जब हम निकालेंगे इट विल बी 1/V0 - 1/F0. वी नॉट की वैल्यू हो गई 10 और एफ नॉट की वैल्यू कितनी है 2, हमें गिवन है. एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 5, तो 1/U0 हो गया -4/10, यानी -2/5. तो अगर मैं यू नॉट निकालूँ तो यू नॉट की वैल्यू यहाँ से हो गई, दिस इज़ -5/2, दैट इज़ -2.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया ऑब्जेक्टिव लेंस से. यही आपसे पूछा था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस में. अब आपको क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V0/U0 1+G/FE. V0 हमने क्या दिया हुआ है, ये हमने फाइंड आउट किया है, V0 is 10, U0 हमने निकाला है 2.5. वी आर नॉट इंक्लूडिंग नेगेटिव साइन, वी आर जस्ट टेकिंग द मैग्नीट्यूड.
डी 25 एंड एफ ई इज ऑल्सो गिवन 6.25. व्हेन यू विल डू द कैलकुलेशन पार्ट, सो डू द कैलकुलेशन पार्ट, इट विल कम आउट टू बी 20. सो फ्रॉम हियर वन पार्ट यू हैव डन. देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दोनों ही केसेस के न्यूमेरिकल इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में पूछे गए हैं, जिसमें हमने फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का केस यूज किया है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू ऑब्टेन की है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. सो बी पार्ट, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. देखिए फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनेगी तो उस केस में सबसे पहले बी ई को हम पहले ही दिखा देंगे इन्फिनिटी है. अब आई पीस का आई लेंस का फोकल लेंथ गिवन है 6.25 सेंटीमीटर. नाउ अगेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यू नॉट एंड मैग्नीफाइंग पावर. तो यहाँ यू नॉट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या यूज़ करें कि तो देखिए ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें हमारे पास दोनों लेंस हैं. ऑब्जेक्ट जब हम यहाँ रखते हैं, ये डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ताकि एकदम से क्लियरिटी हो जाए. ये डिस्टेंस वी नॉट और यहाँ से जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो बेसिकली ये पॉइंट कौन सा बन जाता है, ये इसका हो जाता है एफ. तो अगर हम यहाँ से इस लेंथ ऑफ ट्यूब के कॉन्सेप्ट को यूज़ करें तो लेंथ कितना हो जाएगा, वी नॉट प्लस एफ ई. लेंथ ऑफ ट्यूब हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो एफ ई भी गिवन है. वी नॉट फाइंड कर सकते हैं 15 माइनस एफ ई, 15 माइनस 6.25 यानी 8.75. देखिए ये डायग्राम हमें हेल्प करते हैं जिससे हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं, फॉर्मूला रिटेन कर पाते हैं. अब वी नॉट पता है, एफ नॉट पता है, एफ नॉट आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो हम यू नॉट निकाल सकते हैं. 1 बाय वी नॉट माइनस 1 बाय यू नॉट इक्वल टू 1 बाय एफ नॉट. This implies 1 by u naught equal to 1 by v naught minus 1 by f naught. Substitute the values. Our values substitute karne ke baad only calculation part is left. To ye solve karke aapke paas, this is u naught. The u naught ki value main direct likh rahi hun, do it, check it as a calculation. Ye aata hai minus 2.59 centimeter. LCM lenge, solve karenge, it will come out to be this. Now, only the last part left. That about magnifying power. Magnifying power normal adjustment में क्या होगा, V naught upon U naught into D by FE. U naught ये रहा, V naught ये रहा, D आपको पता है 25 सेंटीमीटर और FE भी गिवन है. FE, V naught, U naught and D, capital D 25 सेंटीमीटर. जब सभी वैल्यूज आप ये सब्सटीट्यूट करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 13.1 मैग्नीफाइंग पावर हो जाता है. देखिए फॉर्मूला बेस्ड पॉइंट है लेकिन मेन पॉइंट हमें यहाँ पर वैल्यूज निकालने कैसे, तो यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट हुआ लेंथ ऑफ द ट्यूब. इसी तरीके से जब पिछले पार्ट में हमने शुरू किया था, यहाँ भी जब हमारा कॉन्सेप्ट था तो सबसे पहले क्योंकि इमेज बननी थी, कहाँ इमेज बननी थी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन यानी यहाँ कहीं पीछे आनी थी. तो इस केस में आपने वही यूज रिजल्ट किया है, पहले आपने आई लेंथ से शुरू किया, यू ई निकाला, फिर लेंथ ऑफ ट्यूब का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, दैट इज़ वी नॉट प्लस यू ई. जिसके बाद आपने वी नॉट निकाल के फिर आपने लेंस फॉर्मूला यूज़ किया ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, एंड देन यू हैव कैलकुलेटेड यू नॉट एज वेल एज मैग्नीफाइंग. सो दिस वे यू हैव गॉट अ रिवीजन ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इस न्यूमेरिकल को जब अगर आप करते हैं तो दोनों डायग्राम आपके दिमाग में क्लियर रहेंगे, फॉर्मूलेज कौन कौन से यूज हैं वो सारे यहाँ पे क्लियर पिक्चर में आ जाएंगे. सो इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर इज यूज्ड. व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ दिस टेलीस्कोप. सो नाउ फ्रॉम दिस लाइन्स व्हाट इंफॉर्मेशन इज क्लियर टू अस, दैट अ टेलीस्कोप विच इज यूज्ड हियर इन विच ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ इज 15 मीटर एंड आईपीस फोकल लेंथ इज 1 सेंटीमीटर. सो एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, हियर यू विल सिंपली यूज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन. सेकेंड पार्ट, If this telescope is used to view the moon, what is the diameter of the image of the moon formed by the objective lens?
यानी मून का अपना कोई डायमीटर है। अब मून से जो रेज आ रही हैं, जो किसी जो ऑब्जेक्टिव लेंस पर मीट कर रही हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस से पास करके, तो बेसिकली वो जो डायमीटर के करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगी, तो उस इमेज का साइज क्या होगा, यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। डायमीटर ऑफ मून इज गिवन एंड रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट इज 3.8 × 10⁸ meters। See, the statement seems to be lengthy, but the concept is quite simple. Let's learn how to solve it. So now, here focal length of objective lens. This is 15 meter, and of eyepiece, this is 1 centimeter. That means 10⁻²⁻ meters. So angular magnification of this telescope, as we know the formula for it in normal adjustment, this is given by this one. So it is −15 × 10⁻². The magnification has to be 1500, right? Now coming to the second part, see, if this is a moon and its diameter is given, this diameter length has been given. Now here, if this telescope, the same telescope is used to view this moon, yani opposite ends pe se jo ray of light meet karti hai, yani when these are passing through objective of telescope, yani jo angle banta hai yahan se, mali this theta angle, the same angle will be subtended at this point. Ab ye dono rays ki corresponding jo image banegi, that we have to calculate that particular diameter of image formation, yani extreme point se number of rays will be passing through it, but we are considering that at the intersection point the angle subtended by the rays coming from the moon will be same as that of the angle subtended by the image of the diameter of the moon. सो बेसिकली अब इस केस में सबसे पहले हम लेंगे दैट एंगल सबटेंडेड बाय डायामीटर ऑफ मून, दैट इट बी थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू, ये एंगल कितना होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस डायामीटर डिवाइड बाय द दिस डिस्टेंस, लेट इट बी डिस्टेंस आर, लेट इट बी आर, सो इट विल बी डी अपॉन आर। अब डायामीटर की वैल्यू गिवन है 3.48 × 10⁶, एंड व्हाट इज दिस आर वन, आर वन जो आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट, दैट मीन्स इट इज गिवन टू बी 3.8 × 10⁸। सो हेयर वी हैव टेकन द रेशियो ऑफ दिस टू। नाउ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, दैट मीन्स हेयर दिस एंगल इज सेम, सो नाउ वी विल फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑफ द मून। So, angle subtended by image, that is also theta. So, it will be equal to length L upon this radius, this length L and this radius. So, now, अब यहाँ पर देखिए इमेज कहाँ बनेगी, यानी रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो ये रेज बेसिकली कहाँ मीट करेंगी, दैट मीन्स द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस पॉइंट। एक्चुअली मून इज अ हेवनली ऑब्जेक्ट, द रेज विल बी मीटिंग एट द फोकस पॉइंट, यानी आर टू डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यहाँ पर हमारे पास कितनी है, दैट फोकल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज गिवन टू बी 15। सो एल इट इज अननोन एंड फोकल लेंथ इज गिवन टू बी 15। So as angle is same, now equating right hand side of both the equations, just you have to simplify it, this length, this size of image, the diameter of the image formed of the moon, it will come out to be on calculations, it will come out to be 13.73 × 10⁻²⁰ meters. Just cross multiply it and then you will get the value of this length. So this way you can calculate the size of the image. Now next numerical, an angular magnification, that is magnifying power of 30 times 30 is desired using an objective of focal length 1.25 cm and eyepiece of focal length 5 cm. So using these data, how will you set up a compound microscope? यानी कंबाइंड मैग्नीफिकेशन, यानी टोटल मैग्नीफिकेशन इज गिवन टू बी 30
and you have to design a microscope in which objective and eyepiece focal length has been given. So how you can proceed? This is also NCRT exercise question. Now, for a compound microscope, as we know, the magnification is given by product of individual magnification of the lenses. And here, magnification of eyepiece and objective that we can take. As for eyepiece, its formula is 1 plus D by F. See, as per this formula, what informations are given to us? In the statement, focal length of objective is given to be 1.25 cm and of eyepiece is given to be 5 cm. Only these two data have been given. Now we have to see how we can just get up the arrangement of a compound microscope. सबसे पहले हमें अरेंजमेंट में क्या क्या फाइंड आउट करना होगा. वी मस्ट बी एबल टू नो कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है. That means object distance with respect to objective lens, object distance of the image formed with respect to eye lens. सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि एम ई होता है 1 प्लस डी बाय एफ ई और एम नॉट क्या होता है वी नॉट बाय यू नॉट. अब डिस्टेंस ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. बट वट थिंग इज क्लियर टू अस दैट डी कैपिटल डी दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक विजन इज 25 सेंटीमीटर दैट इज नोन टू अस. एफ ई इज गिवन सो एम ई विल बी 1 प्लस 25 बाय 5. सो इट इज 1 प्लस 5 it is 6. Then magnification of eye lens we have obtained. So what should be our next step? As angular magnification it is given to be 30. So now it is equal to m naught into m e. So m e humne calculate kar liya hai to m naught kya hoga 30 by m e. 30 by 6 this is 5. Now we know the formula for magnification of objective lens. This will be V naught upon minus U naught. As per the formula, minus that is for the convention. So here you are taking it to be equal to 5. It means V naught equal to minus 5 U naught. तो अब लगाइए lens formula 1 by V naught minus 1 by U naught equal to 1 by F. तो अब यहाँ से F नॉट नोन है हमें. V नॉट को हम U नॉट के फॉर्म में ऑब्टेन कर चुके हैं तो 1 बाई U नॉट हो जाएगा 1 बाय V नॉट माइनस 1 बाय F नॉट. V नॉट इज दिस इज गिवन बाय माइनस 5 टाइम्स U नॉट एंड F नॉट इज 1.25. सो व्हाट शुड वी डू इन द नेक्स्ट स्टेप. वी विल रीअरेंज इट 1.25 ऑन दिस साइड एंड दिस इज माइनस 1 बाय 5 U नॉट माइनस 1 बाय U नॉट. So taking its LCM, this is 5 U naught minus 1 minus 5. So here 1 by 1.25 minus 6 upon 5 U naught. Cross multiplied. On cross multiplying, 5 U naught is minus 6 into 1.25. So U naught agar aap solve karte hain, तो ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दिस इज 0.25 एंड इट विल कम आउट टू बी 1.5 सेंटीमीटर. इट मींस व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव ऑब्टेन्ड यानी कि विद इन दिस माइक्रोस्कोप आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे हमने ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया है. तो कॉरेस्पॉन्डिंगली अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज फॉर्म कहाँ होगी. दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ माइनस 5 यू नॉट तो यू नॉट की वैल्यू है माइनस 1.5 यानी ये हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप. एज ये जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस से बनी है यानी ये एक तरह से क्या है ये एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गया आपका आई लेंस के लिए. सो इट इज दिस तो अब इसके लिए क्या हो गया ये यू ई यानी कि अब यहाँ से हम अगर इसका डिस्टेंस ऑब्टेन करें तो करस्पॉन्डिंगली 1 बाय वी ई माइनस 1 बाय यू ई इक्वल टू 1 बाय एफ ई राइट. तो यहाँ पर अगर हम कंसीडर करते हैं कि मान लो फाइनल इमेज इज ऑब्टेन एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तो लीस्ट डिस्टेंस में क्या होगा रेज कहीं पीछे मिलेंगी यानी वी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी डी राइट. तो करस्पॉन्डिंग टू इट अब यहाँ हमें निकालना क्या है यू नॉट तो 1 बाय यू ई नॉट में ई
वन बाय वी ई माइनस वन बाय एफ ई. तो वन बाय वी ई दिस इज माइनस वन बाय डी, डी यानी 25 और एफ ई की वैल्यू आपको गिवन है 5. तो अब अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 बाई 25. तो इसका मतलब यू ई की वैल्यू आ गई माइनस 25 अपॉन 6 दैट इज माइनस 4.17 सेंटीमीटर. सो नाउ अरेंजमेंट पूछा हुआ था, आपको कहा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, हाउ विल यू सेटअप. इट मीन्स अगर हम ये देखें तो ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना ज़रूरी है. ये मिलेगा तो करस्पॉन्डिंगली हमें इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है वो प्रोड्यूस होगा. अब उसके बाद जब आई लेंस की कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज हमने देखिए स्टार्टिंग में ही हमने इसमें न्यूमेरिकल में लेके चला है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि हम वही कॉन्सेप्ट ले रहे हैं. इसका मतलब फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो हेयर फाइनली यू विल कंसीडर दिस फाइनल इमेज पोजिशन डिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल टी. सो दीज आर द ऑल स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो. बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल कंबाइंड मैग्निफिकेशन, फिर ये इंडिविजुअल फॉर्मूलाज. इस फॉर्मूले से सबसे पहले हमने मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस निकाला, देन यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, देन वी हैव कैलकुलेट मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड देन वी हैव स्टार्ट यूजिंग द लेंस फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला. तो की पॉइंट क्या हो गए इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए, वट आर द की पॉइंट्स दैट यू हैव टू स्टार्ट विद दीज बेसिक रिजल्ट्स. So Vita, what I will advise you at this point that you have to first of all draw the diagram and then for each case note down the formula at the back of the sheet, back of your register, and revise those formulas daily. And when you are solving the numerical, write all the formulas at one page at the front and then try to find ki kaun sa formula kis particular numerical mein suitable hai. First of all, solve all the solved numericals, then go to unsolved questions. By this way, you can get confidence over the numericals. Only this is a way by which you will be able to solve the numericals. So try the questions. Now I am just this now my topic is over. So this optical instrument topic is complete. So just revise it thoroughly. Thank you. Have a nice day.